हरे कृष्णा, मेरा नाम आर्यदेव सम्राट है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग इस्कॉन लखीमपुर के केंद्र पर खड़े हैं, जो कि आप ही के राज्य उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों का जो केंद्र है वो स्थापित हो गया। आज हम लोग प्रभुपाद जी का एक छोटी सी कहानी लाए हैं आपके सामने। एक बार जब प्रभुपाद छोटे थे, लगभग 4 साल के, तो उनको पीलिया से वो ग्रसित हो गए थे। तो पीलिया में डॉक्टर मिश्रा से उनका चेकअप हुआ, जो कि बहुत ही तेज उनको जो थी बुखार आया था। तो जब प्रभुपाद का इलाज काफ़ी नहीं हुआ तो डॉक्टर मिश्रा ने उनसे मछली का अंडा और मछली खाने को कहा। प्रभुपाद जी ने उनसे, छोटे थे तो उनके पिता जो गौर मोहंडे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी वैष्णव परिवार से थे। इसलिए गौर मोहंडे ने कहा कि हम लोग इसको नहीं खिला सकते हैं, हम लोग इसका अलाउड नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनसे रिक्वेस्ट, प्रभुपाद जी जो थे छोटे थे, तो मिश्रा जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अगर नहीं खिलाएंगे तो आपका पुत्र मर सकता है। तो गौर मोहंडे ने कहा ठीक है। तो मिश्रा जी ने एक, गौर मोहंडे नहीं मान रहे थे तो मिश्रा जी ने अपने पास एक शर्त रखी कि ये मेरे घर से बनकर आएगा और ये मछली की करी होगी और ये आपको अपने पुत्र को खिलाना होगा। तो प्रभुपाद जी ने जो है वो लेके आए मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, और उन गौर मोहंडे को दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी को खिलाया गया। पहले एक कौर में प्रभुपाद जी की उल्टी हो गई और प्रभुपाद उसको बिना खाए ही सही हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। हरे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय।